हेलो एवरीबॉडी, बीपीएससी करंट अफेयर्स पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में परम रुद्र नाम से 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, सुपर कंप्यूटर्स। और ये जो तीनों सुपर कंप्यूटर्स हैं, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में डिप्लॉय किए गए हैं। और इन सुपर कंप्यूटर्स को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने बनाया है, जो और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने अमेजॉन के साथ डील किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके तहत जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से या उस पोर्टल पे निबंधन करने वाले अभ्यर्थी को जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प मिलेगी। अमेजॉन उन सबको जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। और ये रिलीज किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें दुनिया के 133 कंट्रीज की लिस्ट है, और उसमें इंडिया 39th स्थान पर रहा है, 39वें स्थान पे। और इस लिस्ट को टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ASOSAI का चेयरमैन बनाया गया है, और ये चेयरमैन 2024 से 2027 तक के काल के लिए रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेड बुक रिलीज किया है, जिसका नाम है परिधि 24x25। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने न्यू मून मिशन चंद्रयान को अप्रूव किया है, और इस मिशन का जो उद्देश्य होगा टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजीज टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून। और साथ ही ये मून से सैंपल्स भी लाने की कोशिश करेगा, और हाँ, इसमें एक बात मैंने जो पिछले करंट अफेयर में बताई थी कि मैंने दोनों का टारगेट 2040 बोला था, ऐसा नहीं है। इंडियन मून लैंडिंग का टारगेट 2040 है, जबकि इंडियन स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्टेब्लिश करने का टारगेट 2035 है। 2024 में इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल हो गए। आपको याद होगा या फिर पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। और आपको पता है इस मिशन के तहत हर साल स्वच्छता ही सेवा कैंपेन होता है, और इस साल इस कैंपेन का थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और राष्ट्रपति निलयम, ये राष्ट्रपति निलयम एक तरह से भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक टेम्पररी आवास होता है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और राष्ट्रपति निलयम ने दोनों ने मिलके, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन तीनों ने मिलके भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित करने का फैसला किया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय कला महोत्सव पहली बार हो रहा है, और ये भारतीय कला महोत्सव बेसिकली क्या होगा, इसमें जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके कल्चरल हेरिटेज को दिखाया जाएगा कि वो कितने रिच एंड डाइवर्स हैं। हाल ही में इंडिया की मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, और उन्होंने फाइनल में चाइना को 1-0 से हराया था, और ये टूर्नामेंट चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में खेला गया था। ये तो काफ़ी न्यूज़ में था। आतिशी मर लेना दिल्ली की नई सीएम बनी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनका सारे जो मेन सोशल मीडिया साइट्स है उन सब पे सब मिला के 1 बिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। 1 बिलियन फॉलोअर्स मतलब 1000 मिलियन फॉलोअर्स।
ठीक ना। और इसमें जो चार सोशल मीडिया साइट्स को देखा जाता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक मतलब देख लीजिएगा, चार होते हैं। और हाँ, यूट्यूब, और ये उसको एक्स बोलते हैं, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, है ना। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया, और ये फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का फिलहाल है 689.235 बिलियन US डॉलर्स, और ये 6 सितंबर 2024 का डेटा है। DRDO ने एक लाइट टैंक जोरावर का हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया, और ये टेस्ट हुआ था बीकानेर में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने तरह का पहला लाइट टैंक है, और इसका नाम है जोरावर, और ये बेसिकली कहीं पे रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड हाई मोबिलिटी इन माउंटेन्स में हेल्प करेगा। टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में वर्ल्ड्स वेस्ट कंपनी जॉब 2024 की लिस्ट रिलीज की है। ये लिस्ट ये हर साल रिलीज करती है, और इस साल वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी का दर्जा एप्पल को मिला है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो उस लिस्ट में जो पहले जो टॉप इंडियन कंपनी है वो HCL टेक है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ओवरऑल रैंक 112 है, मतलब जो नंबर 1 से लेके नंबर 111 तक जो भी वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं उसमें इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है। हाल ही में क्वाड समिट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये थोड़ा आप याद रख लीजिए कि किस स्टेट में हुआ था, डेलवेयर में हुआ था। और क्वाड के चार मेंबर्स आपको पता ही है, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने वाला 101वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन आपको याद होगा कि 2015 में हुआ था, और ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया था, और फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया के गुरुग्राम में लोकेटेड है। इन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है पेयर, इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, और ये बेसिकली इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडिया में रिसर्च कैपेबिलिटी को इलेवेट करने में हेल्प करेंगे। ये तो स्कीम मुझे नहीं लगता कि मतलब पहले भी न्यूज़ में रहा है, पता नहीं क्यों कभी लॉन्च होता भी है या फिर बस न्यूज़ में आते रहता है। पहली बार इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के फील्ड में हुआ है। आपको पता है कि अभी जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो उनका पूरा नाम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो इंडिया के दौरे पर आए हुए थे, और इसी दौरे के दौरान इंडिया और UAE के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के फील्ड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इटली की यानिक सिनर और ने USA के टेलर फिट्ज को हरा के US ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है, और उसी तरह से बेलारूस की अरियाना सवालेंका ने USA की ही जेसिका पेगोला को हरा के US ओपन विमेन सिंगल का खिताब जीता है, और ये दोनों फाइनल मैच आर्थर एशे स्टेडियम में हुए थे। जो US ओपन का जो सेंटर कोर्ट है उसका नाम आर्थर एशे स्टेडियम है, आर्थर एशे स्टेडियम नॉट एशे। और आज का लास्ट काइंड ऑफ ये तो पता ही होगा आपको, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज सितंबर में ही हुआ है, और ये बेसिकली इंडिया और USA की आर्मी के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ठीक है, आज के कंटेंट से मिलते में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में। थैंक यू।